दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से एक खबर बहुत ही चर्चा में है और वो खबर है आर्यन खान को ड्रग केस में क्लीन चिट मिल जाना। आर्यन को क्लीन चिट मिलते ही कुछ चैनल्स और कुछ लोग इतने खुश हैं कि बस पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। जब 70 साल का बुड्ढा कोई 25 साल की दुल्हन को घर लेकर आता है तो बुड्ढे से ज्यादा मोहल्ले वाले खुश होते हैं कि चलो इससे तो कुछ होगा नहीं, हमारा भला हो जाएगा। खुद शाहरुख खान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी ये लोग खुशियां मना रहे हैं। और हम 2-3 दिनों से ये नोटिस कर रहे हैं कि जो लोग खुशी मना रहे हैं वो ना तो आर्यन खान के फैन हैं और ना ही शाहरुख खान की। ये सारे के सारे बीजेपी के विरोधी हैं। मतलब जितने भी चैनल एंटी बीजेपी हैं या जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते वो इस वक्त आसमान में गोते लगा रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। इन्हें लग रहा था कि मोदी या बीजेपी ने आर्यन खान को जेल में डलवा दिया या ड्रग केस में फंसवा दिया। हमने आर्यन केस के समय भी इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी ये जानने की, ये समझने की कि आर्यन केस में बीजेपी का या मोदी का कोई रोल है या नहीं। लेकिन हमें मोदी सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं लगा। मोदी सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें खाने को रोटी नहीं देती। ये चैनल वही बोलता है जो सही होता है। बीजेपी या मोदी की आलोचना करने में हम हमेशा से सबसे आगे रहते हैं, लेकिन हर बात के लिए आप सरकार को गाली देंगे, हर बात के लिए आप सरकार को दोषी ठहराएंगे तो ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट होगा। हम अंधभक्ति के खिलाफ हैं तो हम अंधविरोध के भी खिलाफ हैं। अगर सही को सही नहीं कह सकते हैं तो हमें हर मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। खुद शाहरुख खान बॉलीवुड और आईपीएल पार्टीज में खुलेआम ड्रग्स लेता है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये बात सभी को पता है कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं। गौरी खान के पास से ड्रग्स मिला था ये भी सबको पता है। मतलब जिसके माँ बाप खुद ड्रगी हो उनका बेटा धर्मात्मा होगा, वो भी तब जब उस बच्चे को, उस छोटे से मासूम बच्चे को 15 से 20 करोड़ रुपए हर महीने पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं। आर्यन खान 15 करोड़ रुपए हर महीने कहाँ पर खर्च करता होगा? चैरिटी तो वो करता नहीं होगा, वरना ये लोग तो उनमें से हैं कि एक बूंद खून की दान करके मीडिया में इस तरह से प्रचारित करते हैं, इस तरह से रोना रोते हैं जैसे इन्होंने खून की नदियां बहा दी हो। सीधी सी बात है कि 15-20 करोड़ रुपए आर्यन की अय्याशी में ही खर्च होते हैं। आर्यन ना तो दूध का धुलाया और ना ही वो छोटा बच्चा है, अय्याश माँ बाप की अय्याश औलाद है वो। अब बात करते हैं आर्यन खान केस की। आर्यन को क्लीन चिट दी है एनडीपीएस कोर्ट ने। कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आर्यन के खिलाफ कोई भी सबूत एनसीबी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर एनसीबी के पास में आर्यन के खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं या अब नहीं है तो कोर्ट ने आर्यन खान को 25-26 दिन जमानत क्यों नहीं दी थी? आखिर कोर्ट ने 25 दिन आर्यन को किस आधार पर जेल में रखा था या किस आधार पर उसे जमानत देने से मना किया था? एनसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि आर्यन केस में समीर वानखेड़े से गलती हुई है। चलो मान लिया कि गलती हुई है समीर वानखेड़े से, इंसान से गलती होना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन सवाल तो वही है कि समीर वानखेड़े ने गलती की लेकिन कोर्ट ने जब जमानत देने से मना किया तो उसने क्या किया? क्या कोर्ट को समीर वानखेड़े की गलती को नहीं सुधारना चाहिए था? तब वो सबूत क्या थे जिनके आधार पर कोर्ट ने जमानत देने से मना किया था? या बस एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन दोषी है और कोर्ट ने पोपट की तरह आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया? समीर वानखेड़े से गलती हुई है तो कोर्ट से भी गलती हुई है कि उसने आर्यन जैसे मासूम से बच्चे को 26 दिन तक जेल में रखा। लेकिन अब कार्रवाई होगी सिर्फ समीर वानखेड़े पर और उनकी टीम पर। मतलब कोर्ट अभी भी गलत नहीं है, आर्यन को पकड़ना गलती है, लेकिन 26 दिन तक जेल में रखना गलती नहीं है। हम आपको ये सारी डिटेल इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि इस देश के कानून और संविधान में कितने ज्यादा लूपहोल्स हैं। इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठाकर एक रिच क्रिमिनल हमेशा अपनी सजा से बच जाता है। कहने को हमारे देश में न्यायपालिका बिना राजनीतिक दबाव के काम करती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है। लेकिन आप अगर गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा राजनीतिक दबाव होता है। आर्यन का चार्जशीट में नाम ना आने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि ये एक अरबपति बाप की औलाद है और इसके बाप का संबंध देश के हर बड़े नेता से है जो राज्य और केंद्र सत्ता में बैठे हैं। एनडीपीएस कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट नहीं होता, इसमें काम करने वाले लोग आसमान से नहीं टपके होते हैं, वो भी इंसान है। लालच उन्हें भी आ सकता है, डर उन्हें भी लग सकता है, घर परिवार उनका भी होता है और उन्हें भी अपने परिवार को पालना होता है। एनसीबी या पुलिस हमेशा आरोपियों को ऐसे ही बचाती आ रही है, वो आरोपी पर हल्की धाराएं लगाती है ताकि
समय से पहले उन्हें जमानत मिल जाए, आसानी से जमानत मिल जाए और बाद में सबूत ना होने का बहाना बनाकर उन्हें क्लीन चिट देकर आसानी से रिहा भी कर दिया जाए। इस देश में सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां पैसे वाले क्राइम करके भी सिर्फ इसीलिए बच गए क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। सलमान खान, संजय दत्त जैसे केसों में क्या हुआ, यह आज किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो शरीफ है। क्लीन चिट का मतलब है कि भाइयों करोड़पति बनो, करोड़ों रुपए बैंक में होंगे, करोड़ों रुपए आपकी जेब में होंगे, तो बड़े से बड़ा क्राइम करके भी आर्यन की तरह मासूम बच्चे बने रहोगे। कभी किसी गरीब से पूछो कि क्या तुम्हें कानून और कोर्ट पर भरोसा है, तो वो कभी भी पूरे विश्वास के साथ नहीं कहता कि उसे कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि वो अंदर से जानता है दोस्तों कि सामने वाला अगर पैसे फेंकेगा तो वो उस केस को आसानी से हार जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अमीर करोड़पति क्रिमिनल से पूछो कि क्या तुम्हें देश के संविधान और अदालत पर भरोसा है, तो वो 10 बार चीख चीख कर बोलता है कि हाँ, उसे देश के संविधान पर पूरा यकीन है, पूरे विश्वास के साथ बोलेगा। दरअसल उसका जो यकीन है, उसका जो विश्वास है, वो देश के कानून या संविधान पर नहीं होता, उसे यकीन होता है अपनी दौलत पर, अपने रुतबे पर और अपने पावर पर। आर्यन खान को अगर क्लीन चिट मिली है तो ये पैसे का कमाल है। सत्ता में बैठे लोग क्या एक छोटा सा फैसला नहीं खरीद सकते? सलमान खान के खिलाफ किसी समय पर इतने सबूत थे कि उसका जेल जाना तय था, लेकिन उन सबूतों को आज ढूंढ के दिखा दो। संजय दत्त के खिलाफ भी 1993 में पुलिस के पास में बम ब्लास्ट में शामिल होने के ढेरों सबूत थे और उस पर ब्लास्ट में शामिल होने की धाराएं तक लगाई गई थी उस समय, लेकिन बाद में ना तो वो सबूत जिंदा रहे और ना ही बड़ी बड़ी धाराएं संजू बाबा के ऊपर टिक पाई। बीजेपी अगर आर्यन खान को फंसाती या उसकी चाल होती तो आर्यन को अभी भी क्लीन चिट नहीं मिल पाती, क्योंकि बीजेपी अभी भी रूलिंग पार्टी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी बेवजह के कामों में अपना समय और अपना पैसा खर्च नहीं करती है। शाहरुख खान को बदनाम करके, आर्यन को जेल में डालकर बीजेपी को कोई भी राजनीतिक फायदा होगा, हमें ऐसा नहीं लगता दोस्तों। पार्टियां सिर्फ अपने वोट के लिए काम करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और रीजनल पार्टी हो। कोई भी पार्टी बिना फायदे के काम नहीं कर सकती, चाहे वो अपने आप को कितनी भी बड़ी देशभक्त पार्टी क्यों ना बोले। ऐसे छोटे मोटे केस में देश के पीएम का अपना कोई फायदा नहीं हो सकता। इसीलिए आर्यन की क्लीन चिट के लिए बीजेपी को ट्रोल करना बचकाना हरकत है। और लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी जैसे दिग्गजों की टीम थी। ये ऐसे वकील हैं जो एक एक हियरिंग के 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और जो वकील इतनी फीस चार्ज करता है वो किसी छोटे मोटे जज से ज्यादा पावर रखता है, न सिर्फ कोर्ट के बाहर बल्कि कोर्ट के अंदर जज के सामने भी। जितने भी बड़े वकील होते हैं ये हमेशा केस को अपने पक्ष में कर ही लेते हैं, और इसी बात की इन्हें फीस भी दी जाती है। इनके पास पावर होती है, इनके पास पैसा होता है, और उसी पैसे के दम पर ये हमेशा केस जीतते रहते हैं। आर्यन के क्लीन चिट में शाहरुख खान की दौलत ने ही सारा खेल खेला है। बाकी जितनी भी बातें बन रही हैं, वो सारी की सारी निराधार बातें हैं। और आज की डेट में इस देश में ऐसा क्या है जो बिकाऊ ना हो? एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ खरीदी ना जा सके। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यहाँ आप खुलकर संविधान के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि तोता सिर्फ सीबीआई नहीं होती है, और भी बहुत सारे विभाग हैं जो तोते जैसा काम करते हैं। सतीश मान शिंदे और अमित देसाई की छत्र छाया में जैसे आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है, वैसे ही काफी ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती और शौविक को भी क्लीन चिट का पट्टा थमा दिया जाएगा, क्योंकि उन दोनों मासूम भाई बहनों का वकील भी यही सतीश मान शिंदे है। जहां तक हमें लगता है आने वाले कुछ दिनों में रिया और शौविक केस पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। आर्यन के पीछे अकेला शाहरुख खान था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे तो इतने लोग खड़े हैं दोस्तों कि 10-10 सतीश मान शिंदे की फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं। और रिया चक्रवर्ती वैसे भी अमीर लोगों का दिल बहलाने के ही काम आएगी। अब वो 2-4 फिल्में भले ही कर ले, लेकिन कामयाब तो वो इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हो पाएगी, और इसी तरह से वो अपना काम चलाने वाली है। आर्यन के बरी होने को आप संविधान और इसे चलाने वालों को कमी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दौलत ही सारा खेल खेलती है। वैसे आप आर्यन की क्लीन चिट को किस तरह से देखते हैं? इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन था या आर्यन को पैसे देकर क्लीन चिट दिलवाई गई? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत